Welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताना ना भूलें आज की रेसिपी आपको कैसी लगी. इस टाइप की और भी रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है. तो आप इतना कंजूसी क्यों करते हैं? कंजूसी नहीं चलेगी, आपको लाइक करना पड़ेगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो. साथ ही साथ मेरा जो दूसरा चैनल है फी फ्री सॉल्यूशन, अगर अभी तक आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. वहाँ पर मैं अपने ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, कुछ DIYs भी शेयर कर रही हूँ, होम रेमेडीज आपको वहाँ पर मिल जाएगी. और क्या क्या आप देखना चाहते हैं वो सब कॉमेंट्स कर सकते हैं. फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केवल 7 दिनों की मलाई से इतना सारा मक्खन निकालने की रेसिपी. और जो मक्खन निकालने के बाद दूध बचता है उससे हमने निकाला है इतना बढ़िया पनीर. तो इसकी पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए. और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें. तो मेरे पास यहाँ पर 1 kg दूध है. 1 kg दूध में मैं किस तरीके से इतनी गाढ़ी मलाई जमाती हूँ जिससे कि मेरा 7 दिनों में ये मलाई का पूरा बर्तन भर चुका है. गाढ़ी मलाई जमाने के लिए वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लें. आप देख सकते हैं मलाई बिल्कुल रोटी के जैसी मोटी आई है. तो इतनी ही मोटी मलाई अगर आप जमाएंगे तो आप कभी 7 दिनों में इतनी सारी मलाई इकट्ठी हो जाएगी. तो मैंने इस तरीके से 7 दिन तक मलाई को निकाल कर फ्रीज में स्टोर किया है. जिस टाइम मुझे मक्खन बनाना था उस टाइम मैंने इस मलाई को फ्रीज में से निकाल लिया है. और एक मिक्सर का जार मैंने यहाँ पर ले लिया है. हम मिक्सर ग्राइंडर जार में इसको बनाएंगे और आप देखेंगे केवल 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट में आप इतना बढ़िया मक्खन बनाकर तैयार कर पाएंगे. पहले मैंने यहाँ पर आधा मलाई इस मिक्सिंग जार में ऐड कर दी है. जार आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है तो इसलिए मैंने आधी मलाई इसके अंदर ऐड कर दी है. उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ठंडा पानी और बाकी की आधी मलाई का हम मक्खन बाद में निकालेंगे. तो यहाँ पर मेरे पास एकदम चिल्ड बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है इसलिए आपको ठंडा पानी यूज़ करना है. अगर सर्दियों का मौसम है तो आपको गर्म पानी यूज़ करना है. उसके बाद हमें इसको चर्न करना है. तो चर्न करने का पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी कट नहीं किया है. तो सबसे पहले जैसे ही हमने इसको चर्न करना स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से मलाई फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल थिक मलाई सी इसकी क्रीम टाइप की बन जाएगी. उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद इसको आपको अगेन चर्न करना है. 3 से 4 मिनट लग सकते हैं. 3 से 4 मिनट के बाद आपको इसे एक बार खोलकर दोबारा से देखना है. तो जब मैंने इसको एक बार और ओपन किया तो आप देख सकते हैं अभी भी गाढ़ा एकदम क्रीम जैसा टेक्सचर है. तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए. पानी ऐड करने के बाद आपको इसे चम्मच से अच्छे से चला देना है. चलाने के बाद अगेन जब आप इसको चर्न करेंगे तब आप देखेंगे कि ये मक्खन निकल चुका है. मक्खन निकलने की पहचान कि पानी अलग हो जाएगा और मक्खन अलग दिखाई देगा. जस्ट लुक एट दिस, झाग झाग से आ गए हैं. और इस तरीके से पानी को हम कुछ इस तरीके से निकाल देंगे. मक्खन देख रहे हैं कितना ज़्यादा थिक है और एकदम सफ़ेद मक्खन निकल कर तैयार हुआ है. तो इस तरीके से ये जो मक्खन है आपके पास आ जाता है, इसको आप हल्के हल्के से प्रेस कीजिए तो जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सब कुछ निकल जाएगा. और पानी आप देख सकते हैं मैं एक बर्तन में इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि हम इस पानी को भी नहीं फेंकेंगे, हम इस पानी का भी यूज़ करेंगे और इस पानी का यूज़ करके हम बनाएंगे पनीर. तो यहाँ पर जितना भी मिक्सिंग जार में मक्खन था उन सभी को मैंने निकाल लिया है और इस तरीके से प्रेस करते हुए ये मक्खन, जस्ट लुक एट दिस, कितना सारा मक्खन केवल आधी मलाई से तैयार हो गया है. अब बाकी बची हुई जो आधी मलाई है उसको भी मैं इसी तरीके से मिक्सर जार में ऐड कर लूँगी. और ऐड करने के बाद इसमें भी मैं ऐड करूँगी ठंडा पानी. और ठंडा पानी ऐड करने के बाद अगेन हमें इसको चर्न करना है. जब आप सेकेंड टाइम चर्न करते हैं तो आप देखेंगे ये और भी जल्दी हो जाता है. तो यहाँ पर मैंने ठंडा पानी इसमें ऐड कर दिया है. और पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं बीच बीच में इसमें ऐड कर दूंगी. जब ये अच्छे से चर्न हो गया है, नाउ जस्ट लुक एट दिस, दूसरी बार में भी कितना बढ़िया मक्खन बनकर तैयार हुआ है. तो जितना मक्खन हमारा पहले निकला था उतना ही मक्खन इस बार भी निकल गया है. तो देखा आपने कि इतनी सी मलाई से इतना सारा मक्खन हमने किस तरीके से निकाला. रेसिपी इजी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
क्योंकि जब आप छोटे छोटे से अप्रिशिएशन देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और हम लोग का भी मन करता है हम आपके साथ नई नई टेक्निक्स शेयर करें। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने इसको किसी भी रई वगैरह से नहीं चलाया, केवल 10 मिनट लगते हैं और आप देख सकते हैं मिक्सिंग जार में बिल्कुल भी मलाई या मक्खन नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि आपका इतना सारा मक्खन केवल 7 दिनों की मलाई से, कैन यू इमेजिन कितना बढ़िया मक्खन तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी ये मक्खन तैयार कीजिए। और इस मक्खन से मैंने लगभग 1 किलो घी भी निकाला है। अगर आप उस घी निकालने की रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट्स कर दीजिए। अब ये जो दूध बचा हुआ है, इस दूध को मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पकने के लिए रख दिया था और साथ में इसमें ऐड किया था 1 चम्मच दही। जब दही आप इसमें ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि पानी अलग होना स्टार्ट जाएगा और ये तुरंत पनीर की फॉर्म में आ जाएगा। अक्सर आप लोग इस दूध को वेस्ट कर देते हैं लेकिन मैं इसको वेस्ट कभी भी नहीं करती हूँ और इस तरीके से इसको यूज़ करके मैं इसका बना लेती हूँ पनीर। अभी आप देख सकते हैं पानी अलग हो गया और ये पनीर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। ज़्यादा हिलाना नहीं है। इस स्टेज पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, एक छलनी ली है, उसके ऊपर एक कपड़ा रख लिया है और अब जब मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ, नाउ जस्ट लुक एट दिस। आप अगर 1 किलो दूध से भी इतना पनीर निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। और यहाँ पर तो दूध भी नहीं लगा है, जो चीज़ आप वेस्ट करने वाले थे, मींस फेंकने वाले थे, उसी से हमने इतना बढ़िया पनीर बनाकर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पनीर बनकर तैयार हुआ है। आपको इसे वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें दही का यूज़ किया था। और अगर आप चाहते हैं तो एक बार आप इसको साफ पानी से वॉश भी कर सकते हैं। इसके नीचे जो पानी बचता है, फिलहाल तो मैं यहाँ पर फेंक रही हूँ, लेकिन अगर आप कोई रसेदार सब्जी बना रहे हैं तो उस पानी का यूज़ आप उस रसेदार सब्जी बनाने में भी कर सकते हैं। वो पानी भी काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होता है और साथ ही साथ या फिर आप चाहें तो आटा भी उससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मैं स्ट्रेन कर लूँगी। पानी सब निकाल दिया है और पानी निकालने के बाद जस्ट लुक एट दिस कि कितना सारा पनीर हमने इससे बनाकर तैयार किया है। मज़ा आ गया ना ये ट्रिक्स जानकर। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास और भी नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें और इतना बढ़िया मक्खन और पनीर निकाल कर आप अपने घर में स्टोर कर सकते हैं। इस मक्खन से मैंने घी भी निकाला है, वो भी काफ़ी सारा निकला है। उसकी रेसिपी जानने के लिए कमेंट्स करना ना भूलें। अपनी नेक्स्ट रेसिपी में मिलती हूँ मैं आपके साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।